कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पदाधिकारियों का सम्मेलन करके अपने चुनावी अभियान को धार देगी। इसके तहत 14 नवंबर यानी कि आज बुलंदशहर और 15 नवंबर को मुरादाबाद में पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलन को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगे। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शनिवार को बताया कि संगठन सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला ब्लॉक और न्याय पंचायत से लेकर ग्राम सभा तक कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की गई है और ऐसे में पार्टी के सिपाही हर मोर्चे पर संघर्ष करते हुए जनता के शोक को संबोधित भी करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें, उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा सम्मेलनों के माध्यम से संगठन के पदाधिकारियों से सीधे संवाद करेंगी। पहले सम्मेलन का आयोजन 14 नवंबर को बुलंदशहर में होगा, यानी कि आज बुलंदशहर में होगा, और इसमें आगरा, अलीगढ़ और मेरठ मंडल के 14 जिलों के पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। वहीं 15 नवंबर को प्रियंका मुरादाबाद में आयोजित सम्मेलन में सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल के 12 जिलों के पदाधिकारियों से संवाद करेंगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लल्लू ने कहा है कि अगले चुनाव में 3 दशकों से जारी शासन का अंत होगा। वही कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फिर से विकास और सद्भाव के मार्ग पर लौटेगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि चुनावी तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन आज है, आज सहारनपुर में प्रतिज्ञा सम्मेलन है, कल आपको बता दें प्रतिज्ञा सम्मेलन मुरादाबाद में किया जाएगा और इन्हें प्रियंका गांधी जो है संबोधित करेंगी यहां पर जनता को। साथ ही साथ आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर अब प्रियंका गांधी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं, कोई कमी चुनाव को लेकर वो नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसीलिए लगातार ये प्रतिज्ञा यात्रा तो निकाली ही जा रही थी कांग्रेस की तरफ से, एक बार अब ये प्रतिज्ञा सम्मेलन भी किया जा रहा है जो आज सहारनपुर में होगा और यही प्रतिज्ञा सम्मेलन कल मुरादाबाद में भी किया जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन आज होने जा रहा है। आपको बता दें, चुनावी तैयारियों में प्रियंका गांधी पूरी तरह से जुटी हुई हैं। पूरी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर आ चुकी है और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि कांग्रेस कई दशकों से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई है। उसको देखते हुए अब प्रियंका गांधी के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ चुकी है, इसीलिए उन्हें चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता लोकेश कुबाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, आज ये कांग्रेस का प्रतिज्ञा सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है? देखिए, बुलंदशहर के अनूपशहर ब्लॉक में आज प्रियंका गांधी आने वाली हैं। लगभग 14 जिलों के जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको लेकर एक ये संवाद रखा गया है, जिसमें आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां हैं उनको लेकर पूरी एक संवाद किया जाएगा और जो 9 प्रतिज्ञाएं हैं उनको लेकर कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा। जो जीत का मूल मंत्र है 2022 के चुनाव को लेकर वो संवाद के जरिए क्या कहते हैं कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा और कैसे घर घर जाकर वोट के लिए और जो कांग्रेस पार्टी का जो काम है वो बताया जाएगा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से चुनाव को लेकर तैयारियां करनी है। इन सब चीजों को लेकर आज एक कार्यक्रम रखा गया है जो कि अनूपशहर ब्लॉक में संवाद रखा जाएगा और लगभग 11:30 बजे प्रियंका गांधी जो है बुलंदशहर पहुंचेंगी और उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रियंका गांधी के साथ और कौन कौन मौजूद रहने वाला है सम्मेलन में? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहले से ही 2 दिन से यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी इनके पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जिले स्तर से जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, सभी लोग यहाँ प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल लोकेश, अगर तैयारियों की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने बिल्कुल तैयारियां जो हैं वो अपनी पूरी कर ली हैं। वहीं इंटर कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा गया है, अनूप शहर के एक इंटर कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया है, वहां भी लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब सिर्फ इंतजार है कि प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और इस संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
जी चलिए ठीक है लोकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आज आपको बता दें, लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रतिज्ञा सम्मेलन किया जा रहा है और ऐसे में आज ये सम्मेलन होने जा रहा है जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद से ये सम्मेलन की शुरुआत होगी जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें जनता को भी वो संबोधित करेंगी।